रिफ्लेक्स फेनोमेनान ऑफ बॉडी क्या है? मानव शरीर की कुछ क्रियाएं जिनके रिफ्लेक्शन फेनोमेनान ऑफ बॉडी के रूप में जाना जाता है, शरीर को अनेक रोगों और जीवाणुओं से बचाने में सहायक सिद्ध होती है। इस फेनोमेनान में खांसना, छींकना और उल्टी करना आदि को सम्मिलित किया जाता है। जबकि कोई हानिकारक तत्व नाक अथवा मुंह द्वारा श्वास नली में जाने की कोशिश करता है, तब उसी समय छींक या खांसी द्वारा शरीर उसे बाहर फेंक देता है। इसी प्रकार अमाशय भी कई बार उल्टी द्वारा हानिकारक तत्वों को बाहर निकाल देता है। इसके अतिरिक्त बुखार का आना भी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अंग है। शरीर के तापमान को निर्धारित करने का मुख्य केंद्र बिंदु मस्तिष्क में होता है, अर्थात इस तरह के क्रियाओं द्वारा हम उसे नियंत्रित करते हैं। आगे बात करें तो शरीर में प्रवेश करने के उपरांत जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न हानिकारक तत्व जब रक्त के माध्यम से मस्तिष्क के इस केंद्र बिंदु तक पहुंचते हैं, तब यह केंद्र शरीर के तापमान में बढ़ोतरी करने लगता है, जिससे मनुष्य को ज्वर हो जाता है यानी बुखार। शरीर का तापमान बढ़ने और ज्वार आने से रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। इतना ही नहीं, शरीर का तापमान बढ़ने से रक्त का संचार भी तीव्र हो जाता है और कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक रक्त पहुंचने लगता है। इस सभी क्रियाओं से जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किए गए हानिकारक पदार्थ पेशाब और पसीने के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इस तरह सभी स्वतः होने वाली शारीरिक क्रियाओं को रिफ्लेक्शन फेनोमेनान ऑफ बॉडी कहते हैं, अर्थात इस तरह की शरीर में होने वाली क्रिया आपको लाभ पहुंचाती है, लेकिन ये क्रियाएं असमय और लगातार निरंतर होती रहती है तो यह रोग का रूप धारण करके आपको हानि पहुंचाने लगती है।